हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन अरकाने पार्लियामेंट स्पीकर फ्रिगिस वीडियो तनासे पर कमेटी को भेजने पर मुत्तफिक। ओपोजिशन जमातों का वीडियो पैगाम पर स्पीकर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। स्पीकर ग्रेग फ्रिगिस इस्तीफा देने से इनकारी। कैनेडियन इंतखाबात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैनेडा के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का खदशा। कैनेडियन साइबर जासूस एजेंसी ने खबरदार कर दिया। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने साइबर थ्रेट रिपोर्ट में अलर्ट जारी किया है। कैनेडा के शहर टोरंटो में बर्फबारी के पेश नज़र तैयारी पर माहरीन ने सवाल उठा दिए। डिप्टी मेयर का कहना है कि शहर का अमला बर्फ़ के ऑपरेशन के लिए साल भर की मनसूबाबंदी कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली के तहत हमें बड़े तूफानों का सामना करना पड़ेगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन मेंबरान ने पार्लियामेंट ने ऐवान की प्रोसीजर कमेटी को गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ओंटारियो लिबरल लीडरशिप कन्वेंशन में दिखाई गई एक वीडियो में स्पीकर ग्रेग फ्रिगिस की ज़ाहरी शक्ल का जायजा लेने के लिए वोट दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन मेंबरान ने पार्लियामेंट ने ऐवान के तरीक़ाकार की कमेटी को गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ओंटारियो लिबरल लीडरशिप कन्वेंशन में दिखाई गई एक वीडियो में स्पीकर ग्रेग फ्रिगिस की ज़ाहरी शक्ल का जायजा लेने के लिए वोट दिया। एक पार्लिमानी कमेटी इस बात का तायुन करेगी कि क्या स्पीकर ग्रेग फ्रिगिस को सियासी पार्टी के कन्वेंशन में चलाए गए वीडियो पैगाम के लिए सज़ा दी जानी चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स मुतफिका तौर पर तरीक़ाकार और हाउस अफेयर कमेटी इस तनाज़े का मुतालअ करने के लिए वोट दिया। कमेटी अगले 24 घंटों में मीटिंग करेगी और इस तनाज़े को अवलीन तरजीह बनाएगी, जिसकी रिपोर्ट ऐवान में तातीलात से एक दिन कबल पेश की जाएगी। वीडियो में फ्रिगिस ने ओंटारियो के साबिक लिबरल अबूरी रहनुमा जॉन फ्रीजर को खराज तहसीन पेश किया। ये वीडियो स्पीकर के दफ्तर में रिकॉर्ड की गई जब फ्रिगिस अपने स्पीकर का लिबास पहने हुए थे। कंजर्वेटिव और ब्लॉक क्यूबेको दोनों का कहना है कि वो चाहते हैं कि फ्रिगिस मुस्ताफी हो जाएं, क्योंकि एक मुतासिबाना तकरीब में उसकी मौजूदगी ने उनकी गैर जानबदारी पर सवालिया निशान लगा दिया है। पीर को फ्रिगिस ने इस हकीकत के लिए मौजरत की कि ये वीडियो एक मुतासिबाना तकरीब में इस्तेमाल की गई थी, लेकिन उसने बरकरार रखा कि उसका मकसद 30 साल से ज़्यादा पुराने दोस्त को खराज तहसीन पेश करना था। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था कि ये वीडियो एक पार्टी के दौरान चलाई जाएगी। चारों बड़ी जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कमेटी इस मामले को देखेगी और अगले हफ्ते के आखिर तक ऐवान को वापस रिपोर्ट करेगी। फ्रिगिस का कहना था कि इस्तीफा देने का इरादा नहीं रखते और उसके बजाय कमेटी के अमल को सामने आने देंगे। साइबर जासूस एजेंसी ने खबरदार किया है कि गैर मुल्की मुखालफीन अगले वफाकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए AI को हथियार बनाएंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडा की साइबर जासूस एजेंसी ने खबरदार किया है कि गैर मुल्की मुखालफीन अगले वफाकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए AI को हथियार बनाएंगे। CSE का कहना है कि डीप फैक्ट्स बनाने की सलाहियत उनका पता लगाने की सलाहियत से ज़्यादा है। कनाडा की साइबर जासूसी एजेंसी इंतबाह कर रही है कि बुरे अदाकार अगले विफाकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए मस्नूई ज़हानत के औजार इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहे हैं और ये तैनात की गई हर फरेब देने वाली डीप फेक वीडियो की शनाख्त नहीं कर सकेगी। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने साइबर थ्रेट रिपोर्ट में यह अलर्ट जारी किया। गैर मुल्की सिग्नल्स इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि बहुत इम्कान है कि गैर मुल्की मुखालफीन या
हेक्टिविस्ट कनाडा के अगले वफाकी इंतखाबात से कबल वोटर्स को मुतासिर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम अंदाजा लगाते हैं कि गैर मुल्की मुखालफीन और हेक्टिविस्ट मुमकिन तौर पर अगले 2 सालों में तख्लीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हथियार बना सकते हैं ताकि सियासतदानों और सरकारी अहलकारों की तस्वीर कुशी करने वाली गहरी जाली वीडियोस और तस्वीर बनाएं। डीप फेक्स जाली वीडियोस में जो हकीकी तौर पर जाहिर करने के लिए डिजिटल तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। रिपोर्ट में कनाडा में डीप फेक्स की कोई खास मिसाल नहीं दी गई। एजेंसी साइबर सिक्योरिटी पर कनाडा की बुनियादी अथॉरिटी ने मुतनबा किया कि वो शायद डीप फेक वीडियोज के सरासर हजम में सर फहरिस्त नहीं रह सकेगी जिसकी तवक्को है। CSE ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम इस बात का इम्कान रखते हैं कि डीप फेक्स बनाने की सलाहियत उनका पता लगाने की हमारी सलाहियत से ज्यादा है। मौजूदा अवामी तौर पर दस्तयाब डीप फेक्स और असली मवाद के दरमियान काबिल एतमाद तरीके से फर्क करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। डीप फेक्स डिटेक्शन मॉडल्स की गैर मौसरियत और जनरेटिव AI की बढ़ती हुई दस्तियाबी के पेश नज़र ये इम्कान है कि जनरेटिव AI का इस्तेमाल करते हुए मुहमात को मुतासिर कर सकते हैं जिनका हदफ वोटरों को आम लोगों के जरिए तेजी से पता नहीं चलेगा। CSE ने कहा कि पहले ही हजारों डीप फेक्स गर्दिश में हैं जो सियासतदानों के वीडियो क्लिप्स में हेरा फेरी करते हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में बर्फबारी की पेशन गोई के साथ गुज़िश्ता 2 सालों में शहर को दरपेश ऑपरेशन मसाइल के साथ मौसम सरमा के लिए शहर की तैयारी के हवाले से माहरीन की जानिब से सवाल उठाए जा रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में बर्फबारी की पेशनगोई के साथ गुज़िश्ता 2 सालों में शहर को दरपेश ऑपरेशन मसाइल के साथ मौसम सरमा के लिए शहर की तैयारी के हवाले से माहरीन की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। टोरंटो की डिप्टी मेयर और काउंसिलर जेनिफर मैककैल्वी ने कहा, हमारे पास बर्फ़ हटाने के लिए एक जामा मनसूबा है और हम जाने के लिए तैयार हैं, जिनका कहना है कि बर्फ के आते ही शहर भर के तमाम 1400 आलात चालू होने के लिए तैयार हैं। शहर का अमला बर्फ के ऑपरेशन के लिए साल भर की मनसूबाबंदी कर रहा है और वो मौसम की बारीक बीनी से निगरानी करते हैं और जैसे ही पेशन गोई की जाती है जो दहलीज को पहुंच जाएगी वो तैयार हो जाते हैं और कमांड सेंटर्स को फॉल कर देते हैं। शहरी अमला आमतौर पर बर्फ गिरने से पहले सड़कों पर माया नमकीन पानी डालता है और फिर बर्फ पड़ने पर नमकीन होना शुरू कर देता है, जब तक एक्सप्रेस वेज पर कम से कम 2.5 सेंटीमीटर बर्फ, बड़ी सड़कों और ट्रांजिट रास्तों पर 5 सेंटीमीटर और रिहायशी सड़कों पर 8 सेंटीमीटर तक हिल नहीं चलाया जाता। लेकिन शहर ने हालिया बरसों में ठोकर खाई है, सबसे पहले जनवरी 2022 में आने वाले बड़े तूफान के साथ, फिर पिछले साल के दौरान शिकायत का एक तूफान आया जब बर्फ हटाने की बात आई, क्योंकि मौसम सरमा की सफाई की कार्रवाइयों पर बजट से $26 मिलियन खर्च हुए। मैककैल्वी ने वजाहत की कि शहर का अमला एक इंतहाई मौसमी रद्द अमल का मंसूबा तैयार कर रहा है और वो इस साल इसकी पायलट और जांच करेंगे ताकि हम उन बड़े तूफानों के लिए तैयार हो सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के तहत हमें उन बड़े तूफानों का सामना करना पड़ेगा। शहर के पास अपनी वेबसाइट पर रियल टाइम प्लो 2 का नक्शा मौजूद है ताकि ये मालूम करने में मदद मिले कि सड़कों को कब नमकीन किया गया और तमाम ट्रकों पर GPS सेंसर लगाने के साथ हल चला दिया गया। Views are precise and perspective.